मासूम निहत्ते फलस्तीन, मासूम निहत्ते औरतें, मासूम निहत्ते बच्चे, मासूम निहत्ते नौजवान, उनका कसूर कोई और नहीं था। वो बैतुल मुकद्दस के अंदर इबादत करना चाहते थे, इबादत के अंदर वो अपने सजदा रेज होना चाहते थे, अपने रब को राजी करना चाहते थे, अपने रब को मनवाना चाहते थे, लेकिन जालिम इसराइली फौज ने उन पर निहत्ते लोगों पर आकर गोलियों की ऐसी बौछार कर दी कि लाशों के अंबार लग गए। हमको एहसास नहीं है, हम ना इफ्तार में उनको याद कर सके, ना हमको रात में याद कर सके, ना हमको सजदे में याद आते हैं वो, ना हमको रुकू में याद आते हैं वो, ना हमको दुआ में याद आते हैं वो। वो बेचारों को हमने दुनिया से काट कर उन मुसलमानों को हमने निहत्ते कर दिया। आज शदीद जरूरत है जिदाने मोहतरम मेरी और आपकी, जो लोग मोतकीफ बैठे हुए हैं हर मस्जिद के अंदर, मैं उनसे भी इल्तिमास कर रहा हूं कि रात को उठिए आखिरी पहर में, तहज्जुद अदा करते वक्त में गुरुते नाजिला का एहतमाम करके इन यहूदियों की तबाही का जरिया बन जाए मैं और आप, और इन यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटने का जरिया बन जाए मैं और आप। इनकी दादागिरी, इनकी इजारादारी का वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करीब आ रहा है। हिफाजत फरमाए अल्लाह, मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, मासूम बहनों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, मासूम बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, निहत्ते नौजवानों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, या अल्लाह बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए अल्लाह, या अल्लाह यहूदियों के अजायम को पाश पाश कर दे मेरे अल्लाह, यहूदियों के अजायम को तबाह बर्बाद कर दे मेरे अल्लाह।